गुरु थे जिन्हें कृपा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय प्राचीन कथाओं में उन्हें एक महान शक्तिशाली इंसान माना गया है। गुरु कृपाचार्य को उनके महाकाव्य कविता महाभारत में कौरव और पांडव राजकुमारों के शिक्षक और मेंटोर के रूप में जाना जाता है। महाभारत काल के दौरान उनके ज्ञान और कौशल की हमेशा मांग बनी रही। युद्ध में उन्होंने अपने ही शिष्य अर्जुन के साथ भीषण युद्ध किया था, पर उनके जीवन को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि भारतीय प्राचीन कथाओं के अनुसार वो इमॉर्टल क्यों है और इस समय वो कहां है? साथ ही इमॉर्टल होने के पीछे उनका लक्ष्य क्या है? कुछ परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि गुरु कृपाचार्य अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग में वास करने लगे थे, जहां अब वो देवताओं के सलाहकार के रूप में काम करते हैं। कुछ धर्म ग्रंथों का मानना है कि वो कौरवों के साथ खड़े अवश्य रहे, परंतु उन्होंने कभी भी पांडवों के साथ अन्याय नहीं किया। उनकी इस भावना को देखते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। अब वो कहां है इस बात को लेकर ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन कहा जाता है कि सभी चिरंजीवियों के साथ वो भी हिमालय की ही किसी पवित्र पहाड़ी पर अपनी तपस्या में लगे हुए हैं, ताकि जब आवश्यकता हो वो वापस आ सके। और उनकी भी आवश्यकता कल्कि के काल में ही पड़ने वाली है।